बांदा जनपद के बबीर कस्बे में होली के पर्व पर जगह जगह दुकानदारों द्वारा पिचकारी रंग गुलाल की दुकान सजाई गई है, लेकिन महंगाई को देखते हुए बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दुकानों पर इक्का दुक्का ग्राहक पहुंच रहे हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है। मामला बांदा जनपद के बबीरू कस्बे का है, जहां पर होली के त्योहारों को लेकर दुकानदारों के द्वारा पिचकारी रंग गुलाल की दुकानें सजाई गई थी, लेकिन महंगाई को देखते हुए दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं इक्का दुक्का ग्राहक दुकान पर पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के चलते बहुत ही कम कीमत की पिचकारी रंग गुलाल खरीद रहे हैं। वहीं बाजार पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो किराना की दुकान पर जरूर भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं महंगाई का असर किराना की दुकान एवं खाद्य सामग्री की दुकानों पर नहीं देखा जा सकता। रंग गुलाल पिचकारी के दुकानदारों ने बताया कि पिछली बार की भांति इस वर्ष बिक्री कम है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस वर्ष काफी महंगाई है। पिछली बार तो भगवा कलर का रंग और गुलाब रंग खूब बिक रहा था, लेकिन इस बार वह भी नहीं दिख रहा है, जिससे हम लोग ग्राहक के इंतजार में बैठे हैं। और जो ग्राहक आ रहे हैं वे 20 और 30 रुपए से अधिक का सामान नहीं खरीद रहे हैं। इस वर्ष महंगाई को लेकर होली के पर्व पर हम लोग का काफी नुकसान हो रहा है। होली में महंगाई की वजह से यहाँ कोई ग्राहक नहीं दिखाई दे रहा है, सन्नाटे में बैठे हैं, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इस बार से देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार क्या है? पिछली बार की अपेक्षा से इस बार बिल्कुल बेकार चल रहा है होली का समय। इस बार जो है महंगाई की वजह से बिक्री बहुत डाउन चल रही है और ग्राहक जो है हिचकिचाता है लेने में, 10-20 रुपए वाली ले रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि पिचकारियां बहुत कम। बांदा से जितेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।